फिल्मी जगत के नामचीन कलाकार तथा बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके इस तरह अचानक चले जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही अध्यात्म प्रेमी थे। वे राजयोग ध्यान सीखने पहली बार अपनी माँ रित्रा शुक्ला के साथ सन 2017 में संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अबू रोड आए थे। 3-4 दिन तक रहकर वे एकांत में राजयोग का अभ्यास करना ज्यादा पसंद करते थे। उनकी माँ का लंबे समय से जुड़ाव होने के कारण वे यहाँ सिद्धार्थ को लेकर आती थी। वे तत्कालीन संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी से काफी देर तक मिले थे तथा उनसे अध्यात्म की चर्चा की थी। सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ तो आए ही थे, इसके साथ ही वे मुंबई के विले पार्ले समेत कई ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों पर जब भी समय मिलता तो वे जाते थे। जो भी संस्थान के बड़े आयोजन होते थे उसमें जरूर हिस्सा लेते थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान विले पार्ले मुंबई की प्रभारी बीके योगिनी, राजयोग शिक्षिका बीके दीपा, बीके तपस्विनी समेत कई भाई बहनों ने कुछ समय राजयोग मेडिटेशन कर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और पुष्पांजलि दी तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने भी दुख जताया है। उन्होंने शोक संदेश में कहा है कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे तथा शोकाकुल परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस मुश्किल की घड़ी में पूरा ब्रह्मा कुमारी परिवार उनके साथ है। वे जब शांति बनाए थे तो गॉडलिव स्टूडियो में भी आए थे और उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग कराई थी। गॉडलिव स्टूडियो और पीस ऑफ माइंड चैनल परिवार भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।